अपना कपड़े डालेंगे, इसमें तीन कंपार्टमेंट है, तीन खंड जैसा है, तो दो भरना है एक खाली रखना है अपने को। चलो वीडियो, हाँ चलो। देखिए ये तीन है, तीन बॉक्स जैसा है, तो दो भरना है अपने को कपड़े से, एक खाली रखना है। अपने ये वाई सिंबल जैसा बना लेंगे, ये दोनों भर देंगे, एक खाली रखेंगे, ठीक है। इसके बाद से इसको लगा देंगे दरवाजा, और पाउडर या लिक्विड जो यूज करेंगे यहाँ पे डालेंगे, यही साइड पे, पाउडर हो या लिक्विड यही पे, ठीक है। कम्फर्ट यूज करेंगे तो यहाँ पे, इधर कुछ नहीं, ठीक है। इसको लगा देंगे, ठीक है। नल चालू रखेंगे, जब नल लगाएंगे नल चालू रखेंगे, इसके बाद से पावर ऑन करेंगे यहाँ से। यहाँ पे अपने को स्किप करना रहेगा, दो तीन दिन ऐसे आता है, नया नया मशीन है तो स्किप करने के लिए, ये वेलकम आएगा तो दो सेकंड रुकेंगे, ये आ गया, फिर स्किप करना है। मतलब जब तक स्किप करना है अपने को, जब तक पूरा डिस्प्ले पे लाइट नहीं आ जाता है। ओके, ये कॉटन आ गया, ठीक है। कॉटन में मिक्स कॉटन कपड़े धो सकते हैं। इसके बाद से आपका आ जाएगा फंडामेंट क्विक वॉश, जल्दी धोने के लिए, जैसे ज़्यादा मैला नहीं है, फटाफट धोना है तो क्विक वॉश। ओके, सुपर स्पीड इस पर, मतलब ज़्यादा फटाफट धोना है कम टाइमिंग में, ये सुपर स्पीड का फंक्शन रहेगा। सुपर इको वॉश, मतलब ज़्यादा मैला कपड़ा है तो सुपर इको वॉश पे रखेंगे। ई कॉटन में केवल कॉटन कपड़े। ओके, सिंथेटिक में पतला कपड़ा आ जाएगा, डेलिकेट में साड़ी दुपट्टा फॉल जैसा। टावल में केवल टावल है, अलग से धो रहे हैं, दो तीन टावल है तो टावल में आ जाएगा। बेडिंग में बेडशीट चादर जो भी रहेगा बेडिंग में आ जाएगा। शर्ट में केवल शर्ट, जैसे केवल शर्ट शर्ट ज़्यादा है तो शर्ट धोएंगे शर्ट में, ठीक है। हाइजीन स्टीम, घर में समझिए कुछ बीमार है, कोई छोटे बच्चों का कपड़ा रहता है, थोड़ा स्मेल ही रहता है, तो वो इसमें धोएंगे। इसमें क्या, पानी ज़्यादा गर्म होता है, 60 डिग्री तक। ओके, ऊल स्वेटर वगैरह रहता है तो ऊल में धोएंगे। आउटडोर, जैसे अपना पर्दा है, अपना ये विंडो का रहता है, वो आउटडोर में आ जाएगा। एक्टिव वेयर, नाइटी का जो कपड़ा रहता है वो एक्टिव वेयर में आ जाएगा। कलर, जो कपड़े का कलर निकल रहा है, जैसे मिक्स कपड़े में धोते हैं तो दूसरे कपड़े में कलर लग जाता है, तो वो अलग से धो लेंगे। ये कलर वाला कपड़े, ये साइलेंट वॉश, जैसे मशीन चलता है तो थोड़ा आवाज़ करता है, अगर आपको एक कुछ भी आवाज़ नहीं चाहिए, जैसे घर में कोई बीमार है, थोड़ा इरिटेशन हो रहा है, तो साइलेंट वॉश पे रख के चालू कर सकते हैं, मशीन एकदम साइलेंट चलता है। ओके, क्लाउडी डे, इसमें भी बारिश का जो कपड़ा रहता है, जैसे भीगा हुआ है, फटाफट धोना है, इसमें कचरे वाला रहता है, वो क्लाउडी डे बारिश वाले कपड़े के लिए ये रहता है। रिंस और स्पिन, जैसे कोई बार अपने हाथ से कपड़े धो लिए हैं, केवल खंगालना और सुखाना है, तो खंगालेगा और सुखाएगा, दो फंक्शन है, कपड़े वॉश नहीं करेगा, केवल खंगालेगा और सुखाएगा। ड्रेन स्पिन बोले तो, जैसे कपड़े धो लिए हैं, खंगाल लिए हैं, केवल सुखाना है, तो ये ड्रेन स्पिन, केवल सुखाएगा। वॉश ड्राई, कपड़े धुलेगा और सुखाएगा, ये 100% ड्राई वाला है, इसमें टाइमिंग ज़्यादा लगेगा अपना, साढ़े नौ घंटे 100% ड्राई। जैसे अपना ये कपड़ा है एकदम सूखा, ऐसा कपड़े धुल जाएगा, 100% ड्राई होगा, तो उसमें क्या है, हीटर ऑन होता है, तो एकदम लाइट लाइट हीटर ऑन होता है, एकदम स्लो, जैसे अपना सूर्य का प्रकाश कैसे पड़ता है ऐसे, इसके लिए टाइमिंग इसमें ज़्यादा लगता है, ठीक है। अगर ये फंक्शन आपको करना है तो, नहीं करना है तो कोई नहीं। वैसे तो अपना धोने से सुखाने तक हर एक प्रोग्राम के अंदर, वो जो पहले बताया मैं, उसके अंदर सब हो जाता है, मतलब 80% उसमें सूख जाता है, 80% तक सूख जाता है, बाकी अगर 100% आपको सुखाना है तो ये फंक्शन है। ओके, ठीक है। इसके बाद से आपका आ जाएगा कॉटन ड्राई, जैसे कॉटन का कपड़ा है अपने को सुखाना है, उसके लिए ये भी, उसमें भी टाइम लगेगा ज़्यादा। सिंथेटिक ड्राई, पतला कपड़ा रहता है तो सिंथेटिक ड्राई में आ जाएगा। एयर वॉश बोले तो, जैसे ज़्यादा टाइम से कपड़े रखे हैं, अपने को पानी से वॉश नहीं करना है, ये एयर वॉश में रखेंगे तो थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रे करता है और बूंद बूंद पानी करके आता है, और वो उसमें ही केवल सुखा देता है, जैसे उसमें थोड़ा स्मेल वगैरह रहता है वो बराबर निकल जाता है, ये एयर वॉश में आएगा, ठीक है। ये ड्रम क्लीन, जैसे अपने कपड़े धोते हैं तो अपने यहाँ के पानी में क्या है, क्षार ज़्यादा है, और कपड़े का जो मैल रहता है वो धीरे धीरे करके ड्रम के बाहर साइड पे पूरा जमा होता है, तो उसको क्लीन करने के लिए एक पाउडर आता है, वो डायरेक्ट आपको ड्रम में डालना है यहाँ पे, और ड्रम क्लीन पे रखकर स्टार्ट कर देना है। वो 25 दिन या महीने में एक बार आपको करना कंपलसरी है, ठीक है। वो पाउडर अलग से आता है सर? हाँ, वो अलग से आता है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये अपना कॉटन हो गया।
कॉटन मिक्स में धोना है तुम्हें। ओके, रेगुलर कपड़ा रहेगा वो 80% में धोने वाला, वो किसमें करने का है? ये इस पे ही आ जाएगा, जैसे अपने धोने से सुखाने तक सब हो जाएगा इसमें, धोएगा खंगालेगा सुखाएगा। ओके, और 100% ड्राई जो बोले नहीं, वो नहीं, नहीं मतलब ऐसा बाकी कैसे रखने का, मतलब किस पे रखने का? नॉर्मली तो इस पे ही रहेगा, कॉटन पे ही। इस पे ही? हाँ, कॉटन में मिक्स कॉटन कपड़े धो सकते हैं। ई कॉटन जो आया है यहाँ पे, हाँ देखिए ई कॉटन बोले तो केवल कॉटन कपड़े, प्योर कॉटन का कपड़ा कैसे रहता है वो कॉटन कपड़ा इस पे आएगा। और जो कॉटन है अभी समय रेगुलर के लिए अपने कौन सा रखने का इस पे? कॉटन पे पहला फंक्शन है ये वाला। हाँ, 1 घंटा 27 मिनट में धोएगा सुखाएगा भी, मतलब 80%। हाँ, धोने से सुखाने तक सब हो जाएगा। ठीक ठीक है। ओके, और इसमें एक जाली रहता है वो मैं आपको बताता हूँ, और एक ये सामने रहता है फिल्टर, उसको भी अपने को क्लीन करते रहने का। इसको यहाँ से इसको ऐसे दबाएंगे ये खुल जाएगा, यहाँ से ये जाली रहता है फिल्टर है, जैसे अपना वो ऊपर वाला मशीन में कैसे बाजू में आता है, ये नीचे आता है, इसको निकाल कर क्लीन कर लेने का। जैसे ये कपड़े का जो मेल रहता है, कचरा वगैरह रहता है, इधर आ जाता है, इसको निकाल कर वॉश कर लेंगे, वापस इसको लगा देंगे, 15-20 दिन में इसको भी क्लीन कर लेंगे एक बार। और समझिए कपड़ा धुल रहा है, लाइट चली गई तो मशीन के अंदर पानी रहेगा तो ये दरवाजा नहीं खुलेगा, और जो भी कपड़े डालना है आपको एक ही बार में डाल देना है, क्योंकि एक लॉक हो जाएगा तो फिर नहीं खुलता है। ठीक, तो अगर लाइट गई पानी है अंदर दरवाजा नहीं खुलेगा, तो पानी यहाँ से निकाल के निकालने के बाद में 5-10 मिनट के बाद में दरवाजा अनलॉक हो जाएगा, इसके वजह से खोल सकते हैं। पानी उससे निकलेगा पानी यहाँ से, ये जो खोला ना ये खोलेंगे तो सामने पानी आ जाएगा नीचे, फिर तो मतलब क्या है, फिर तो मतलब नहीं। तो इसका एक एक ये पाइप रहता है, ये पाइप से निकालेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ से भी निकल जाएगा। ओके, ठीक है, कोई पाइप इसमें लगा कर साइड पे कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद इसको तो लाइट तो अभी तो नहीं, इधर बारिश में जाएगा। हाँ नहीं, अगर कोई बार गया ज़्यादा टाइम के बाद आएगा लाइट तो उसके लिए वो फंक्शन है। अच्छा, अभी जब गया और वापस आ गया तो तुरंत चालू हो जाएगा? हाँ, चालू करना पड़ेगा अपने को, वो जो फंक्शन है जहाँ से रुका है वहीं से चालू हो जाएगा। ठीक है, और एक जाली यहाँ पर आती है ये, इसको भी निकाल कर 7-8 दिन में साफ करने का, इसको 7-8 दिन में ही करने का, क्योंकि अपने यहाँ के पानी में छार ज़्यादा है, इधर पूरा जमा हो जाता है कचरा, एकदम पानी एकदम स्लो आता है, उसमें टाइमिंग ज़्यादा लगता है, तो उसको क्लीन करते रहने का 7-8 दिन में कर ही लेने का, इसको वापस इसको ऐसे लगा देने का, और ये पाइप लगाने का यहाँ से, इसको यहाँ पे ऐसे रखने का, ऐसे घुमा देने का अपने को। ये बराबर टाइट हो गए, खोलने का है बाजू, केवल घुमा लेने का। और ये लगाने के लिए ये समझिए अपना ये नल है, ठीक है, इसको निकालना है अपने को, तो इसको ऐसे नीचे करेंगे, ये निकाल लेंगे, इसको नीचे करना, गैस के रेगुलेटर जैसा है, इसको ऐसे नीचे करेंगे, निकाल लेंगे, लगाना है नीचे करके लगाएंगे, इसके वजह से ये लगा दिया, ऐसे छोड़ देंगे, ये लॉक हो गया, निकालना है निकाल लिया बराबर। इसका एक वॉशिंग मशीन का स्पेशल नल आता है, वो लगाएंगे तो फिर ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऊपर वाला जो है ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर साधन नल लगाते हैं तो फिर ये लगा कर इसके वजह से ये लगाना था। ठीक है, तो मैं प्लम्बर को पूछूंगा। हाँ, प्लम्बर को बोलेंगे तो वो मालूम रहता है, वो लोगों को बोलेगा वॉशिंग मशीन का नल तो वो लेकर आएगा। ठीक है, ये निकाल दूँ ना? तो रहने दो। ठीक है।